हमारा दीन ही दीन है, बच्चे पालना भी दीन है, रिज़्क़े हलाल कमाना भी दीन है, नौकरी पे जाना भी दीन, दुकान खोलना भी, ये तो सारा दीन है। हमें तो दुनियादारी दी नहीं, हमें तो दीन ही दीन दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, पहली बात कि अपने ईमान की मजबूती, तगड़ाई, अपने ईमान पर मजबूत हो के। और ये जो रोज फितने नए से नए पैदा होते हैं ना, ये हमारे ईमान को जाया करते हैं। ये जो टीवी पे स्कॉलर बैठे होते हैं ना, ये जो कहानियां सुनाते हैं यूरोप में ये होता है, फलां जगह ये होता है, आप यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी सियासतदान की जुबान से यूरोप की बात सुनता हूँ। मैं कहता हूँ जालिम, तुझे अबू बकरे सिद्दीक भूल गए, तुझे फारूक आजम भूल गए हैं, तुझे भूल गए हैं सैयदना उस्मान गनी और मौला अली, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी यूरोप की मिसाल देने की? तूने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को नहीं पढ़ा? एक नुस्खा सिर्फ हजरत अबू बकर का सुने, सिर्फ एक। पहले दिन जब खलीफा बने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सर पे रख के ना टोकरी बाजार चले कारोबार करने, हजरत उमर ने रोका, कहा साहब किधर जा रहे हो, आप हमारे खलीफा हैं। ये बात सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि उनका महीना है। हजरत अबू बकर से, भाई किधर जा रहे हो? कहा मैं बच्चों की रोजी तो कमानी है ना, तुम्हारा खलीफा बन के बच्चे तो नहीं ना भूखे मार दे। उन्होंने इसे ना पता पाकिस्तान च बन जाइए तो सात नस्ल राज दिया ने माजल्ला इतने तो कहते ने आप सबका वजीर आजम का कभी खर्चा सुने तो हैरान हो जाए, ये हशर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने कहने लगे बच्चे तो नहीं भूखे मारने, कहा वापस आए, माले गनीमत से आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते। बैठक बैठी, सियाबा बैठ गए, जिरगा बैठ गया, मशवरा होने लगा कितने तनख्वाह लगाए कितनी लगाए। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे मशवरा करने की क्या जरूरत है, अबू बकर से पूछ लो माना खर्च कितना उतना दे देंगे। तो हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा जनाब का खर्चा कितना, उतनी तनख्वाह लगा देते हैं। फरमाया खर्चा ना पूछो, जितनी एक मजदूर की तनख्वाह मेरी भी उतनी लगा दो। कितनी, किसकी तनख्वाह बोल के बताए, सारे बोले जितनी मजदूर की तनख्वाह मेरी भी। तो हजरत अली कहने लगे अगर आपका गुजारा ना हुआ तो ये इस उसूल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मईशत का निजाम रखा है, इस उसूल पर। कहा जनाब अगर आपका गुजारा ना हुआ तो सुनहरी अरफों से लिख लेना दिल की तख्ती पे जनाब सिद्दीक का फरमान, का अगर आपका गुजारा ना हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा, मैं मजदूरों की तनख्वाहों में। फरमाया जब उनका गुजारा होगा तो अबू बकर का भी होना शुरू हो जाएगा। जिस कौम के अंदर बादशाह की और मजदूर की तनख्वाह एक बराबर हो वहां कत्ल नहीं होते, वहां डकैतियां नहीं होती, वहां चोरियां नहीं होती, वहां छोटे बड़े की तमीज फिर बाकी, फिर मुसावात, अदल, प्यार कायम होता है। और जहां बादशाह का बेटा प्राइवेट जहाज में घूमे और गरीब का बच्चा बीमार हो जाए तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में बेड भी ना मिले तो फिर वहां लोग तंग आमद बजंग आमद, वहां लोग बंदूक उठाते, वहां कत्लो गारत होती है, लोग हक छीनने निकलते आम दाम बरसरे। मतलब पहली बात ईमान कामिल, और दूसरी बात हर चीज से बढ़कर नबी पाक की ताजीम, हर चीज से बढ़कर। हम नबी पाक के मामले में जज्बाती हैं और जज्बाती होना भी चाहिए। ये आपको गलत कायल किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया तो मौलवी आपको जज्बाती करते हैं। भाई नबी पाक ने माफ किया अपने बेअदब को, किसी सियाबी ने माफ नहीं किया। मेरी बेअदबी करने वाला मुझसे माफी मांगेगा, मेरे छोटे भाई से नहीं मांगेगा। तो नबी पाक के बेअदब को नबी पाक माफ कर सकते हैं, उम्मती माफ कर सकता? आप तमाम कुतबे सीरत उठा के देख लें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेअदब और गुस्ताख फतेह मक्का के मौके पर भाग गए तो उन्हें जो बंदा भी मशवरा देता था यही मशवरा देता था कि किसी तरीके हुजूर तक पहुंच जाओगे तो बच जाओगे, नबी पाक तक किसी तरीके छुप छुपा के। बार बिन अस्वद को भी लोगों ने यही कहा, दीगर भी सब लोगों को यही कहा कि नबी पाक तक पहुंच गए तो बच जाओगे, कहीं गलती से उमर के हथे ना चढ़ जाना, कहीं अली के काबू ना आ जाना, कहीं उस्माने गनी और अबू बकर सिद्दीक के काबू ना आना, फिर नहीं बचोगे। उम्मत मुस्लिमा के जवानों तुम्हें गलत कायल किया जाता है, इस्लाम जो है जी वो सिर्फ बात करता है दरगुजर की और माफी की। इस्लाम जज्बाती बात करता है लेकिन किस में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की जाती है। इधर देखो, और एक बात और बड़े ठंडे दिल से समझा रहा हूं, हम अगर नबी पाक के अदब के कायल हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अदब के भी कायल हैं, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब के भी
कायल है। हमारी हमारी शरीयत के अंदर हजरत यूसुफ का गुस्ताख भी काफर है। हाँ, हमारा दीन जो है वो तमाम का अदब सिखाता है। बल्कि अगर कोई किसी बातिल को पूछता है तो हम दलायल के साथ उसका रद्द करते हैं। हमें वहां भी कच्ची जुबान इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा गया, वहां भी रद्द किया जाएगा दलायल की रोशनी में। लेकिन इसके बावजूद, इतनी सफाई के बावजूद अगर कोई महबूब के बारे में बात करे फिर उम्मत खामोश रहे। सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। हलीम आदमी थे, पहाड़ भी गुजर गया तो चुप रहते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद नाबीना थे, नबी पाक की बारगाह में आए। सहाबा इकराम अलैहि मुरीदवान फरमाते हैं, आके कहने लगे, इतना मेरा ठंडा बेटा था, आपने क्या कर दिया? माज़ अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया, क्या हुआ? तवज्जो है मेरी बात पर, क्या हुआ? आज मुझे थप्पड़ मारा अबू बकर। सहाबा कहते हैं, मैं यकीन नहीं आ रहा था कि अबू बकर तो बड़े हलीम है, बाप को थप्पड़, वालिद को। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुलाओ ना अबू बकर को। जनाबे सिद्दीक अकबर आए, खड़े हो गए, हाथ बांधे, सर झुकाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वालिद को मारा है? चुप कर गए। फिर पूछा, लोगों को यकीन नहीं हो रहा तुमने बाप को मारा है? फिर चुप कर गए। तीसरी दफा महबूब ने फरमाया, बोलते क्यों नहीं? तो जनाबे सिद्दीक अकबर ने सर उठाया, दाढ़ी सारी आंसुओं से भरी हुई, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाली से कहें तलवार लेके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, इनसे कहें मेरे वजूद के हिस्से बखरे कर दे, मैं सी नहीं करूंगा, लेकिन इनसे फरमा दे ये आपके बारे में बात ना करें, आपके बारे में बात ना करें। तन तंदूर हड्डा दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, उत्तों लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहें टुकड़े टुकड़े कर दे, हर बात सहूंगा, लेकिन अगर आपके बारे में कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त। भाई तू अगर हुजूर के बारे में भी चुप रहता तो तू शरीफ नहीं, तेरी गैरत सो गई है, ये शराफत नहीं कि महबूब के बारे में। मैं कभी कुछ साहब मुझे आके कहना कि वो फलां बंदा कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं, तो मैं कहता हूँ उससे तो बाद में निपटेंगे, पहला तेरा तो पता कर लिए, तू सुन के मैं लेगा, आ ना तू तो इधर बैठना भाई, तेरे कहान तूने सुन कैसे लिया? उसकी तो बात बाद में है, तू बता पहले तूने सुन कैसे लिया, क्या ख्याल है आपका? इतने जुल्म की बात, एक बंदा कह रहा था जी वो तो मक्खी का पार नहीं बना सकते माज़ अल्लाह, मैं क्या उन्होंने बाद पूछांगे, पहला तू तो आ ना उरा, तेरे अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई जो तू सुन के आ गया? सुन कैसे लेते, ऐसे लोगों के पास बैठते कैसे? किस तरह तुम्हारी तबीयत गवारा करती है? उस जालिम के पास बैठो जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में बात करे, अहले बैत नबुवत के बारे में बात करे, किस तरह तबीयत मैच होती है? उसके साथ बैठकर चाय का कप कैसे पी लेते, किस तरह तुम्हारे अंदर ताकत आती? ये अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा करें। हमारा वही सज्जन है जिसका मुस्तफा से प्यार है, और जिसका नबी पाक से प्यार नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक, हमारा उससे कोई रिश्ता। अमीर मिल्लत हाफिज पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, मुस्तफा से प्यार करोगे तो बच जाओ। क्या खूबसूरत जुमला है। और फरमाते थे, हुजूर की ताजीम करोगे तो बन जाओगे, खुद बन जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जतों से नवाज देगा। अब तीसरी बात की तरफ आए, हुजूर की ताजीम भी करनी है और नबी पाक की फरमा बरदारी भी करनी है, जो हुजूर कहें वो करना है। तवज्जो है मेरी बात पर, इधर देखें, जो हुजूर कहें के गुंजाइश लबनी जी, आप देखें, अब थोड़ा थोड़ा बोलते, अब थोड़ा थोड़ा, लेकिन करना होते कूदे न पे। हकीम कोई सियाणा हो ना, बड़ा दूर समझदार हकीम, तो वो नुस्खा बताए तो बंदे कहते हैं कागज कलम लाओ लिख ले, सही है ना जी, लिखते हैं ना जी, बल्कि हकीम तो नुस्खा देते ही नहीं थे, वो कब्रों में ले गए साथ ही, माशाल्लाह दिया ही नहीं, इसलिए हिकमत ज्यादा परवान नहीं चढ़ पा रही। याद रखें, कोई सियाणा बंदा बात करे तो लिख लेनी चाहिए, तो अगर मुस्तफा हमें कुछ समझाए। सहाबा ने पता इताअत किस तरह की है, इधर देखो, कंजुल माल में हदीस है, नबी पाक सल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे, एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, बंदा खड़ा है फरमाया बैठ जाओ, मुतलक हुक्म है, नाम नहीं लिया किसी का, बैठ जाओ, एक बंदा खड़ा था बैठ जाओ,
حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کی گلی میں تھے، آئے نہیں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر سے نکلا تھا، ابھی گھر کے دروازے پہ تھا، میرے کانوں میں آواز گئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں تھا جہاں لوگوں نے جوتے اتارے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں، نماز مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب صحابہ ملنے آئے تو فرمایا، عبداللہ جمعہ کہاں پڑھا؟ کہا حضور گلی میں۔ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ اور تمہیں کب کہا تھا؟ تو اس کو کہا تھا۔ انس تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ گھر کے دروازے پہ۔ کیوں؟ حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرثد بن ابی مرثد تم کدھر تھے؟ حضور وہ کونے میں جگہ ملی وہیں تھا، وہاں کیوں؟ حضور آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا، میں نے تو اس سے کہا تھا، حضور آپ نے نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہ یہی سمجھا کہ میرے لیے حکم ہو رہا ہے۔ یہاں نام لے کے نامی نیٹ کر کے بھی حکم کرو تو بندے کہتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا، کچھ ساری شریعت معاذ اللہ میرے لیے، حضور نے مطلق